नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। इस खबर के प्रायोजक है जिला पंचायत क्षेत्र चकसिक्ठी से भावी प्रत्याशी अजय सिंह गुर्जर पार कर्मठ व संघर्षशील व जुझारू महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह गुर्जर पार को चुने अजय सिंह गुर्जर पार। पंचायत चुनाव नहीं है जंग का मैदान। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान कई प्रत्याशियों ने अपने ताल ठोककर चुनावी जंग जीतने का दावा कर दिया है। इसी के साथ ही कुछ प्रत्याशियों से विकास और सामाजिक ज्ञान के बारे में सवाल पूछे जाने पर स्तब्ध करने वाले परिणाम सामने आए हैं। किसी प्रत्याशी को या तो प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या तो किसी प्रत्याशी को विकास करने के तौर तरीकों के बारे में ज्ञान नहीं था। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, दरअसल मैं पिछले जब से मैंने राजनीति में देखा है या मैंने राजनीतिक समझ आई है, मैंने हमेशा देखा कि जो मेरा पैतृक गांव है, मैंने वहां देखा कि हमेशा से वहां दूर दराज के लोग अपने ज़बरदस्ती चुनाव लड़ते आए हैं और जनता पर थोपते हैं वो राजनीतिक जो भी नेता होते हैं। तो दरअसल ये इस बार कोई भी प्रत्याशी हो, अभी भी कई पार्टियों ने 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर के नेताओं को वहाँ टिकट दे के जनता को एक ज़बरदस्ती उम्मीदवार थोपा है। तो इसके लिए इस चुनाव में केवल मेन मुद्दा है क्षेत्रवाद, जो क्षेत्र का नेता है वो, और वर्सेस जो दूर के नेता हैं, जो बाहरी नेता हैं उनके लिए। ये केवल दो पर दो लड़ाई है और किसी चीज़ पर नहीं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मानव प्रक्रिया है कि जब कई लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक को मिलता है तो कई लोग उससे नाराज होते हैं। नाराज होने की प्रक्रिया में कुछ लोग अपना आक्रोश इस सीमा तक दिखाते हैं कि पर्चा भर देते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जैसा आपसे कहा है कि अभी जब तक नामांकन वापसी की तारीख नहीं निकल जाती, हम अपने किसी भी साथी और किसी भी कार्यकर्ता को बागी नहीं करा दे सकते। अगर उसके बाद भी कोई साथी हमारा, कोई कार्यकर्ता अगर नहीं मानता है, हठ धर्मता अपनाता है, तो उसका पार्टी से निष्कासन होगा। और हमारा कोई भी साथी, हमारा कोई भी कार्यकर्ता उस व्यक्ति के साथ आपको परोक्ष अपरोक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के लिए? मैं विकास के बारे में। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बीते 5 वर्षों में? बहुत कम विकास हुआ है सर। क्या करेंगे आप जीत कर? अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं सर किसानों के लिए और बेरोजगार के लिए सब कुछ करूंगी। मैम, कितनी पढ़ाई की है आपने? मैं एमए। एमए की जी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी, वो देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। यूपी विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यूपी ठीक है, थैंक यू।